नमस्कार। इस वीडियो क्विज टेस्ट में हमने कुछ नया ही प्रयास किए हैं, जहां फटाफट 10 मिनट में 40 प्रश्नों को रिवीजन करा सके। हमें लगता है कि आपके लिए उपयोगी साबित होगा, इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को अंत तक जरूर खेलने का प्रयास करें, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी ऑप्शंस अपने आप में एक प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए। आपको आंसर सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर होगा, यानी कि गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ओरिजिनल आंसर होगा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। राइट आंसर होगा, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से किसे आप गलत बता सकते हो? गलत है ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा, ओरिजिनल आंसर होगा, वास्को डिगामा भारत में समुद्र के रास्ते 1498 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर तीन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? राइट आंसर होंगे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। ओरिजिनल आंसर होगा, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन के हिसाब से गलत है ऑप्शन नंबर ए। ओरिजिनल आंसर होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, तथा इसके कमी से रतौंधी नामक रोग लग जाते हैं। रात में नहीं दिखाई देता है, उस रोग को रतौंधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, नहीं कि थायमिन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर होंगे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। ओरिजिनल आंसर होगा, सुंदरवन मुख्यतः बाघ के लिए संरक्षित है। ओके, सुंदरवन नेशनल पार्क बाघ के सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो 1973 में बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स,
निम्न में से किसे आप गलत बता सकते हो? निम्न में से किसे आप गलत बता सकते हो? यदि आप एक प्रश्नों का राइट आंसर देते हैं, इसका मतलब है कि आप चार सवालों का सही आंसर दे सके। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। ओरिजिनल आंसर होगा सिपाहियों का प्रसिद्ध विद्रोह 1857 में हुआ था, नहीं कि 1931 में। ध्यान रखिएगा जी, ये तो आप सभी जानते होंगे कि सिपाही क्रांति 1857 में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल फुल्ली आपके सिलेबस पे वर्क करता है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो कृपया लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। जो करते हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसे आप गलत बता सकते हो? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओरिजिनल आंसर होगा आपका दार्जिलिंग भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। आपको समझ तो आ रहा होगा, इम्पोर्टेंट है ये वीडियो क्विज टेस्ट, और इसके नेक्स्ट एपिसोड भी आपका जो आएगा उसे भी आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। यदि आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, फॉल्स कहीं भी नहीं है, आपके एग्जाम के पर्पस से 110% उपयोगी है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी गलत है। ओरिजिनल आंसर होगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1906 में कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था, जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसे आप गलत बता सकते हो? सही आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। ओरिजिनल आंसर होगा भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पाया जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? राइट आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। ओरिजिनल आंसर होगा आर्यभट्ट गणित के लेखक थे, यही ओरिजिनल आंसर होगा जी। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है। कल का सवाल जो था, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था, ये कल का सवाल था। और आज का सवाल है,
राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सवाल क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे लिखिए Q4U, और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो वीडियो को शेयर भी करिए। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।